फ्रेंड्स, मैं हूँ सानवी और मैं हूँ आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं ब्लाइंडफोल्ड ड्राइंग चैलेंज। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब फर्स्ट ऑनर फर्स्ट ऑनर फर्स्ट चांस है सानवी की और इसको मैं टॉपिक दूंगी फ्लावर। देखते हैं अभी कैसा बनाती है। वाओ, वाओ यार, कितना अच्छा है ये। मुझे अच्छा ही लग रहा है ये फ्लावर और मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी है। हाँ, ये पार्ट थोड़ा सा खराब है और ये थोड़ा टेढ़ा फ्लावर बना है। यहाँ से इसकी लीफ स्टेम थोड़ी सी अलग जगह पर लग गई है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं। आप बताइएगा आपको कैसी लगी है, वो भी कमेंट सेक्शन में। और अब रहेगा सेकेंड ऑन और उसमें है चांस आर्या के। देखते हैं मैं उसे क्या टॉपिक दूंगी और वो क्या बनाएगी। फ्रेंड्स, अभी है राउंड टू और राउंड टू में चांस है आर्या की और मैं जो उसको टॉपिक दूंगी वो ड्रॉ करेगी यहाँ पर। और मैं उसको टॉपिक दूंगी गर्ल। तो वो गर्ल ड्रॉ करने वाली है, अभी देखते हैं कैसी गर्ल ड्रॉ करती है वो ब्लाइंड फोल्ड करके। चलिए, तो ये अभी निकाल रही है ब्लाइंड फोल्ड करके और ये देखिए इसने निकाल लिया है। और अरे वैसे तूने क्या बनाया है ऊपर? खुद को ही नहीं पता क्या बनाया है। वाह वाह, ये देखिए ये रही इसकी गर्ल। ये इसके जूते देखिए कैसे हैं। वैसे थोड़ी तो अच्छी ही लग रही है ये, परफेक्ट अच्छी भी नहीं लग रही है। पता नहीं क्या है यहाँ पर इसके सर पे। हाथ भी थोड़ा अच्छा ही है, ये ट्रायंगल बन गया है बस। हाँ, मुझे तो ये गर्ल लग रही है। अब पता नहीं आपको क्या लगेगी ये। वैसे लगेगी ही आप लोगों को तो गर्ल, क्योंकि मुझे लग रही है ये। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताना आप ये गर्ल को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे। मैं तो इसे दूंगी 6 या 5, इतने ही दूंगी मैं इसको। और अब रहेगा राउंड 3 जिसमें चांस रहेगी मेरी और देखते हैं आर्या मुझे क्या टॉपिक देती है। अभी है थर्ड राउंड में फर्स्ट चांस है सानवी की। तो उसको मैं टॉपिक देने वाली हूँ कार। इधर ही बोले कार दे ना। दे तो रही हूँ। दे यार आर्या, दे तो नहीं आर्या, दे पकड़। चलिए, तो मैं अभी निकाल लेती हूँ अपने आँखों से पट्टी। ऐसी बनी है, इसकी विंडो बाहर निकल गई है
और यहाँ से थोड़ा ये इरेज हो गया है, उसका कुछ नहीं होता और ठीक ही बनी है, इतने कुछ बकवास भी नहीं बनी है। आप लोग को कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर मैं ब्लाइंड फोल्ड नहीं करती तो थोड़ी अच्छी बनती इससे और अच्छी। और अब रहेगा राउंड फोर, और राउंड फोर में चांस रहेगी आर्या की, और मैंने उसके लिए टॉपिक सोच लिया है कि वो क्या ड्रॉ करेगी। और मिलते हैं राउंड फोर में, बाय फ्रेंड्स। अभी है राउंड फोर, राउंड फोर में चांस है आर्या की, और मैं उसको टॉपिक दूंगी पिज्ज़ा। और ये देखिए मार्कर मेरे हाथ में, मार्कर ले ले ना, ले 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 दे ना यार, ले दे ना साथ में, तेरे हाथों के पास है एकदम, दे ना काफी है आसान। ले चल रॉ कर अब जल्दी से पिज्जा, ये ढक्कन पकड़। हाँ के देख ले अब। ये यहाँ से बाहर निकल गया। हाँ ये यहाँ से बाहर निकला, और इस ट्रायंगल शेप का क्या डाला इसमें तूने? डोरिटोस, पिज्जा में डोरिटोस, वाह। और इसमें यहाँ पर बाकी सब सर्कल है, यहाँ से ये बाहर चला गया थोड़ा सा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ये पिज्जा लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सब्जियों से भरा हुआ। आप लोग को बताइए आपको पिज्ज़ा कैसा लग रहा है जो बनाया है मैंने, आर्या ने, तो आप लोग बताना आपको ये पिज्ज़ा कैसा लगा। और मिलते हैं फिफ्थ राउंड में, जिसमें चांस रहेगी मेरी। फ्रेंड्स अभी फिफ्थ राउंड, और फिफ्थ राउंड में चांस है सानवी की, तो उसको मैं अभी टॉपिक दूंगी। हाँ, कोकोनट ट्री। अच्छा ये कोकोनट ट्री, लेकिन इसकी डंडी, यह बहुत छोटा कोकोनट ट्री है। ये कोकोनट ट्री बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है। ये अभी इसका पौधा है, कोकोनट ट्री का पौधा, कोकोनट ट्री का पौधा ही होता है। छोटा सा कोकोनट ट्री है, छोटा सा। और फ्रेंड्स ये रहा मेरा कोकोनट ट्री जो मैंने ड्रॉ किया है ब्लाइंड फोल्ड करके। और आप लोग को ये कोकोनट ट्री कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब रहेगा राउंड सिक्स, जिसमें चांस रहेगी आर्या की, तो मिलते हैं राउंड सिक्स में। तो फ्रेंड्स अभी है राउंड सिक्स, और राउंड सिक्स में चांस है आर्या की। देखिए मैंने उसको कर दिया है ब्लाइंड फोल्ड, और अब मैं उसको टॉपिक दूंगी लिपस्टिक। तो चलिए देखते हैं वो लिपस्टिक कैसी ड्रॉ करती है ब्लाइंड फोल्ड करके।
ये देखिए, ये रही आर्या की लिपस्टिक। ऐसी बनाई है उसने। ये मुझे लिपस्टिक कम रॉकेट ज्यादा लग रहा है, मगर रॉकेट के पीछे तो पूछ नहीं है। रॉकेट आग में पीछे से पूछ भी रहती है जहाँ पे आग लगाते हैं। तो ये रही आर्या की लिपस्टिक। आपको मुझे पेंसिल भी लग रही है। हाँ, पेंसिल भी लग रही है। अगर आप लोग को ये लिपस्टिक लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। और अब रहेगा राउंड 7, जिसमें चांस रहेगी मेरी। पता नहीं आ रहा मुझे क्या टॉपिक देने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग राउंड 7 में। फ्रेंड्स, अभी में चांस है सानवी की, और उसको मैं टॉपिक दूंगी हाउस। अरे, इसके बीच में होल कौन बनाएगा और यहाँ पर एक गोला कौन बनाएगा? ओ, कुछ नहीं होता, मेरा हाउस है ये तो। ये यहाँ पर कैसा हाउस बनाया है मैंने? ये देखो, यहाँ पर ये डोर है, वो घर के बाहर है। वाह वाह, तो अंदर अगर हम लोग डोर खोलेंगे भी तो घर से बाहर ही रहेंगे, हम लोग घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। कोई वैसे ऐसा घर बनता ही नहीं है। वैसे अगर ऐसा घर बन भी जाता तो इसको हम लोग ऐसे खोलते और दूसरी जगह हो जाते, घर के अंदर नहीं जाते। मतलब वही जगह रहती है, उनके पीछे वाली साइड आ जाती जो ये डोर के पीछे वाली साइड थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा हाउस कैसा लगा जिसकी डोर बाहर है घर से, कैसा लगा? और अब रहेगा राउंड 8, जो है लास्ट राउंड, और उसमें चांस रहेगी आर्या की। फ्रेंड्स, अभी है राउंड 8, जो है लास्ट राउंड, और इसमें चांस है आर्या की। और मैं इसको टॉपिक दूंगी चॉकलेट बिस्किट। तो चलिए, बन चुकी है चॉकलेट बिस्किट। और वाह यार, कितनी ज़्यादा चॉकलेटी है ये। अगर ये वाली बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है। हाँ, जो आर्या ने फर्स्ट बनाया था ना, ये वाला। और इसकी इधर दो दो ये बाहर चले गया, इसमें तीन, इसमें एक। जो हमारा नॉर्मल जो हम लोग को मिलता है ना बाजार से, उसमें इतनी चॉकलेट्स रहती है, 3-4, लेकिन इतनी ज़्यादा वाव मिल जाती तो खाने में मज़ा ही आ जाता हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये चॉकलेट बिस्किट खाने का मन हो रहा है तो हमें, और आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको चॉकलेट पसंद है कि नहीं। और ये भी बताना आपको खाने का मन हो रहा है कि नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसे बिस्किट्स बने, तो ज़रूर बताना। और हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक के लिए।